हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इंटीग्रेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 21st प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 4x dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलेज पता होना चाहिए। वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इसमें यूज होने वाली फार्मूलेज हम बीच बीच में बताया करेंगे, उससे आपको हेल्प हो जाएंगी। तो चलो इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले एक काम करेंगे, ये गिवन इंटीग्रल को एज अ आई ले लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, टेक गिवन इंटीग्रल को हम एज अ आई लेंगे। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ क्या दिया है, दैट इज ब्रैकेट में है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 4x इनटू dx। देखो ये हमने गिवन इंटीग्रल को एज आई ले लिया है और अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करते समय एक काम करेंगे, यहां पे देखो दो टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर, जो है वो दो टर्म्स आपको दिखाई दे रही है। हम एक काम करेंगे, इंटीग्रेशन से ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इधर से इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर से आपको dx से भी मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म्स को। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होगा, तो हम कुछ ये यहां से लिखेंगे, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज e टू द पावर 4x इंटू dx। देखो इस तरह से हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर लिए, इधर से इंटीग्रेशन से और उधर से dx से। अब ये दो सेपरेट टर्म्स आपको दिखाई दे रही है और अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, देखो फार्मूला क्या कोई यहां लगता है, बिल्कुल यहां पे एक स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है। देखो पहले टर्म में ही आपको स्टैंडर्ड फार्मूला मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। देखो फार्मूला यहां लिख के देते हैं, अगर आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं लिखा होता है तो तुरंत अपने नोटबुक में वो लिख लिया करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये स्टैंडर्ड होता है, दैट इज टैन इनवर्स ऑफ x प्लस सी, सी माने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। हम इसका यहां पे यूज करेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है आपको पहले टर्म में, और जो सेकंड टर्म है सेकंड टर्म में कौन सा फार्मूला लगेगा, तो सेकंड टर्म का फार्मूला हम यहां पे लिख रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। देखो ये फार्मूला यहां पे लगेगा, ई टू द पावर ए एक्स के फॉर्म में वो है क्या, बिल्कुल है, वहां पे ए का वैल्यू 4 है। तो इंटीग्रेशन का ये फार्मूला अगर आप यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट ऐसा होता है, ई टू द पावर ए एक्स बाय ए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है और जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो वो हमने ले लिए और यहां पे प्लस सी इट मींस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये देखिए ये दोनों फार्मूले हम यहां पे यूज करने वाले हैं, बस ये दोनों का यूज करो और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये देखिए ये पहले इसमें जैसा हमने कहा ये फार्मूला यूज होगा, तो हम यहां पे लिख लेंगे इसका रिजल्ट डायरेक्टली, दैट इज टैन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है वो बाद में हम लिख लेंगे, दोनों के लिए कॉमन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिख लेंगे। तो पहले टर्म को इंटीग्रेट कर लिए, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है, ठीक है, लेकिन जो एक्स का पावर जो एक्स का कोएफिशिएंट है 4 वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। जैसा हमने कहा ये फार्मूला है, x का कोएफिशिएंट a हमने नीचे ले लिए, तो यहां पे x का कोएफिशिएंट 4 हमने नीचे ले लिए, ठीक है। तो ये इसको भी हमने इंटीग्रेट कर लिए और अब हम यहां पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दे देंगे c। तो फाइनली हमने यहां तक एक्सटेंड किया है, क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है, नहीं, ये सफिशियंट है, यहां पे कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, कुछ भी यहां पे कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब जो गिवन इंटीग्रेशन हमें जो इसको इंटीग्रेट करना था हमने इंटीग्रेट कर लिया है, ये हमें रिजल्ट मिला है और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, काफी ये सिंपल प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था इंटीग्रेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 21। इसके पहले जो हमने इसके 20 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।